नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आज देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती है। बंगाल में विवेकानंद को अपना बताने की ऐसा लग रहा है कि होड़ मच गई। कौन सी पार्टी क्या कर रही है आपको बताएंगे। साथ ही युवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TV9 भारतवर्ष पर लाइव होंगे, मोदी की बात भी आपको सुनाएंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर दी है, क्या नबान से भी कैपिटल हिल जैसी तस्वीरें सामने आएंगी, पूरी खबर आपको बताएंगे। बंगाल की लड़ाई में भगवान राम और मां सीता की भी एंट्री हो चुकी है, कैसे यह भी आपके सामने रखेंगे। इन तमाम खबरों पर अगले एक घंटे तक रहेगी हमारी खास नजर, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के नेता और बंगाल के बीजेपी चीफ हैं दिलीप घोष, उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कर दी है और कह दिया है कि दीदी हारने के बाद वही करेंगी जो अमेरिका में ट्रंप ने किया। जो ट्रंप ने अपने समर्थकों से कैपिटल हिल का हाल करवाया, वही ममता नबन्ना बिल्डिंग का करेंगी। तो ये बड़ा बयान दिलीप घोष की तरफ से सामने आया है, जो कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सुनिए। हमेशा उनके व्यवहार में ट्रंप जैसा एक एडमेंट भाव है, तानाशाही भाव है, जो लोकतंत्र को नहीं मानते। उनके पार्टी का अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ कर, और राज्य में भी लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, कानून व्यवस्था का भी नामो निशान नहीं है। इसलिए ये बात मैंने पहले उठाई थी। आज डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसा तानाशाह हार जाएंगे तो वो नवान्न नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर आक्रमण करके वहां का चेयर टेबल तोड़े थे। तो सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी की तरफ से बोला गया है जोरदार हमला, और हम सबने देखा कैपिटल हिल में किस तरह की हिंसा हुई 6 जनवरी को, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप से तुलना की जा रही है ममता बनर्जी की, और दिलीप घोष जो कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि हार के बाद जैसा ट्रंप ने किया वही हाल ममता बनर्जी भी बंगाल में करेंगी। हार गई तो भी सचिवालय छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगी ममता बनर्जी, और कहीं ना कहीं तानाशाह बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को, और दिलीप घोष ने उनकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर दी। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। संघमित्रा चौधरी जो कि सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल बीजेपी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाड़ी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में खालिद अब्दुल्ला जो कि TMC का पक्ष रखने के लिए इस डिबेट में आज मौजूद रहेंगे, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन संघमित्रा चौधरी जी, पहला सवाल आपसे, अब डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई बंगाल में चुनाव के दौरान, आपकी पार्टी कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी हैं ममता बनर्जी, अगर हार जाएंगी तो छोड़ेंगे नहीं सचिवालय, इसका क्या आधार? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किए हैं, उनका समर्थक ने जो किए हैं कैपिटल हिल्स में, ये कोई सही काम नहीं है। ममता बनर्जी जो कर रही है अभी बंगाल में, आप जानते हैं वो तो लोकतंत्रों को एकदम हत्या कर दिए है। तो आगे क्या होगा, हारने के बाद वो क्या करेगी, ये तो सबको पता है। सिर्फ नबान्ना नहीं, हर जगह में उनका जो समर्थक है, ये उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेगी ना करेंगे, नहीं तो ऐसे ही हल्ला मचाते रहेंगे जैसे कैपिटल हिल्स में हुआ। तो ये बात हम लोग सोच रहा है और हमारा अध्यक्ष जी ने वो ही बताए हैं। क्या सोच रही हैं आप? उनका दिमागी हालत बात तो क्या ठीक करेंगी नहीं ममता बनर्जी उनका जो समर्थक है, अगर हार होती है उनकी तो हार होती है तो देखिए, हार नहीं हुआ, उसके पहले वो जो जो काम किए हैं, जो हरकतें वो दिखाई है, वो मोदी जी को बोल रहे हमारे पास पैसा नहीं आया, तू तुकारी कर रही है। उनका जो सांसद है कल्याण बनर्जी, वो सीता मैया को लेके जो बात किए है कि सीता मैया को अगर रावण ने नहीं लेके गया तो उनका हथरस जैसा कांड हो जाता उनके साथ, ये सब कोई बात हुआ है? आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है। ठीक है तो संघमित्रा जी उस पर मैं आता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।